Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस, तो ये वीडियो टेस्टबुक के साइड से आप सबके लिए, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा आरआरबी का प्री कंटैक्ट हो गया है ऑफिसर लेवल का। अगर हम लोग फर्स्ट डिग्री फिफ्थ की बात करें तो पूरी मैंने भी अच्छे से एनालाइज की है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जो लेवल हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे, जिस तरीके से एग्जाम होगा, जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो उससे ऊपर ही चला गया। हम लोग इतना सोच रहे थे कि पेपर डुएबल होगा, हम कर पाएंगे, उससे कम ही रहा हमारा टाइम। अगर उसके अकॉर्डिंग अभी हम अगर कुछ स्टूडेंट का अटेम्प्ट देखें तो उनका है इस लेवल पर कि इजिली वो लोग पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जो आपने पेपर देखा, पेपर से आपको पता चल गया होगा कि इसका जो कट ऑफ है वो किस रेंज में जाने वाला है, थोड़ा सा आपका पीछे आ ही जाएगा, क्योंकि पेपर में लोगों ने क्या किया, टफ किया। आपके रीजनिंग में ना 3 पजल आते थे, उन्होंने 4 पजल ऐड कर दी। 4 पजल ऐड करने का उनका लेवल भी हाई कर दिया। पार्ट में आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आता था, उसको हटा करके उन्होंने क्या ऐड कर दिया, कंपेरिजन क्वांटिटीज लेकर के आ गए। यानी कि पेपर उन्होंने क्या किया, आपका लिटिल बिट टफ कर दिया, कॉम्पिटिशन को यहाँ पर आपके लिए बढ़ा दिया। इसका रीजन वो भी हो सकता है कि नंबर ऑफ सीट्स की वो कम हो गई, तो कॉम्पिटिशन थोड़ा सा हाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर अब हम लोग मेंस को देखें, काफी सारे स्टूडेंट की क्वेरी आई है कि सर प्री तो हो गया और मेरे को पूरा चांस नहीं है प्री क्वालिफाइड हो जाएगा, क्योंकि इतना डुएबल पेपर था, प्रेजेंट टाइम हो सकता था, मैंने कर दिया। अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है तो देखो, टाइम वैसे भी हमारे पास कम है, अब हम रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते कि अभी हमारा एग्जाम होगा, अब इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। कभी भी ऐसी गलती मत करना, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा फिर आपके पास। आपको डे वन से, यानी कि अभी आपका एग्जाम हुआ है ना, मंडे से ही आप मेंस में लग जाना चाहिए। एक बार इसमें अपन लोग देख लेते हैं कि आपको मेंस के लिए क्या करना है, मेंस की प्रिपरेशन आपकी किस तरीके से होगी। ये आपका मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इस प्री को देखते हुए, प्री किस लेवल का था, मेंस आपका किस लेवल पर जा सकता है, उसके बाद ही हम देखेंगे कि मेंस के लिए आपको क्या करना है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, इस वीडियो को देखने के बाद एक शेड्यूल अपना डिजाइन कर लेना पूरा का पूरा, इस मंडे से लेकर के आपके एग्जाम डे तक, कि आपको क्या क्या चीज करनी है, किस तरीके से करनी है। मेंस में जो जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम मैंने देखी ना, वो ये देखिए कि उन्हें पता नहीं होता कि सर करना क्या है, और अगर पता चल भी जाता है सर क्वेश्चंस कहां से निकाले, सर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं उस लेवल के, ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर एक सेक्शन को, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट का सेक्शन। पॉइंट में आपको बता दूं कि आपका पॉइंट वाले सेक्शन में हम लोग देखें तो 40 क्वेश्चंस होंगे आपके, जो कि 50 मार्क्स के होंगे। अब एक चीज अपने माइंड में एकदम क्लियर रखना, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स के आ जाए, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आपके क्वेश्चन जो होंगे ना, सबका इक्वल वेटेज होगा, सारे क्वेश्चन आपके इक्वल मार्क्स के ही होंगे, सेम दोनों में, पॉइंट में भी रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स आपके 50 लेकर के वो चलेंगे, और वो आपका कैलकुलेट हो जाता है जब आपका स्कोर कार्ड आता है, आपको क्लियर पता चल जाता है, ठीक है। अब उसमें अगर हम लोग देखें तो आपकी जो DI होंगे मिनिमम, वो आपके 3-4 DI देगा ही देगा, और इस बार जो आपकी DI आने के चांसेस हैं वो अर्थमेटिक बेस्ड आपकी DI देगा, या तो वो आपकी बोर्डन स्ट्रीम पर बना दे, या फिर वो आपकी डायमंड वर्क पर बना दे, इस तरीके से वो आपकी पाइपिंग सिस्टम पर भी बहुत टफ DI बन जाती है, तो इस तरीके से DI आपकी ट्रेन करेगा। DI मिनिमम आपकी जो होंगी वो 3-4 DI होंगी ही होंगी। अब आपको इस तरीके से DI की जो प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे, उसको क्या कर देना है, आपको एक लेवल हाई लेकर के आना है। यानी कि पहले आप जो कर रहे थे वो सिंपल DI की आप प्रैक्टिस कर रहे थे प्री के लिए, जब प्री में भी आपकी उसने टफ करके दी थी, तो मेंस के लिए आप थोड़ा सा मतलब अभी सोच के चलना कि आपकी किस लेवल पे DI आने वाली है। यानी कि अब जो आप DI करोगे ना, वो एक लेवल हाई वाली आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे मंडे से, कि आपके हैबिट में वो चीज आ जानी चाहिए कि किस लेवल की DI आएगी। लेंथी होगी ही होगी, लेकिन मुझे उसे अटेम्प्ट करना है, लेंथी देख करके छोड़ना नहीं है, कि इसमें रेशियो भी निकालना है, देन परसेंटेज निकालना है, देन उसका ऐड अप करना है, कैसे करूंगा, करना पड़ेगा। क्वेश्चन उसी लेवल के आएंगे, कुछ क्वेश्चन ये होंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम चले जाएंगे, कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन निकालेगा वही जो उस क्वेश्चन को देख करके उसे करेगा, छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो DI आपको इस तरीके से रखनी है। DI के बाद जो दूसरी चीज होगी वो आपकी डेटा सफिशियंसी, ये मैं कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा बता रहा हूँ जो आपके आने ही रहते हैं, पेपर कितना भी अगर टफ कर लेना वो इन चीजों को नहीं हटा सकते, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, लेकिन इसको रखेंगे ही रखेंगे। दूसरी चीज क्या है हमारी, डेटा सफिशियंसी है। डेटा सफिशियंसी आपको पता है, इसमें तो छोड़ूंगा आपको ना, SBI के क्वेश्चन में भी आपको मिल जाती है डेटा सफिशियंसी, वो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेट करके इस तरीके से लेकर के आता है कि आपको दे ही देता है, ठीक है। तो डेटा सफिशियंसी पर हम लोग देखेंगे, हमने IUPAC के एग्जाम में भी देखा है, डेटा सफिशियंसी हमें हमेशा मिलती है,
तो मैंने यहाँ पे वही चीज लेकर के आए हैं। ठीक है, डेटा साइंस एक्चुअली में आप लोग देखो तो वो क्या करेगा, आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को टफ करेगा। इसी में वो क्या करेगा, आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लेकर के आ जाएगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, अर्थमेटिक तो अर्थमेटिक आपका मेंसुरेशन वाला पार्ट भी डेटा साइंस एक्चुअली में और कन्वर्जन क्वांटिटीज में वो लेकर के आ जाते हैं। तो थोड़ा सा उससे भी आप प्रिपेयर कर लेना। पेपर को टफ करने का ना यही उनके पास रहता है कि थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें डाल दो जिसको कि स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से इग्नोर किया होगा। तो थोड़ा सा उस पार्ट को भी संभाल लेना। डेटा सफिशियंस के मिनिमम आपके 22% फिट रहेंगे, लेकिन इसका लेवल जो होगा वो टफ रहेगा, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करना। इसके बाद तीसरी जो चीज आएगी, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो क्या होंगे, कम से कम 3-4 लाइन के क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन में आपका एवरेज भी आ जाएगा, परसेंटेज भी आ जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन भी आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें आपकी आ जाएंगी। एक ही क्वेश्चन में जब बोर्डन स्ट्रीम देगा ना, तो आपके 2-3 फॉर्मूले सीधे सीधे आपके उसी क्वेश्चन में लग जाएंगे बोर्डन स्ट्रीम के। तो थोड़ा सा उस हिसाब से आप प्रिपेयर होकर के जाएंगे अर्थमेटिक क्वेश्चन के लिए। अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आप प्री क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, कितना हार्डली आपके जो क्वेश्चन आते थे 1-2 लाइन के होते थे। अब आपको उससे एक लेवल ऊपर चले जाना है कि क्वेश्चंस लेंथी होंगे ही होंगे, मुझे इसे स्किप नहीं करना है, मैं पूरा पेपर स्किप कर दूंगा, कुछ नहीं लगेगा करने के लिए। तो स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा हैवी डालना उस क्वेश्चंस के लिए, उन्हें यहाँ पर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना। इसके बाद आपका क्या होगा, कंपैरिजन क्वांटिटीज रहेगा, जो डेटा सफिशिएंसी होता है सेम उसी के तरीके से आपको कंपैरिजन क्वांटिटीज मिलती है करने के लिए। प्री मैम में क्या मिल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाता है। ये इसमें तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देने से रहा नहीं, जब प्री में उसने इतना टफ किया तो मेंस में तो आप भूल जाओ कि वो आपको ऑफिसर लेवल वाले पेपर पे अप्रोक्सीमेशन या क्वाड्रेटिक दे देगा। नहीं देगा कंपैरिजन क्वांटिटीज, यहां पर कंपैरिजन क्वांटिटीज को वो लिटिल बिट टफ करेगा। तो थोड़ा सा ये जो सेक्शन है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इसका लास्ट अगर उसका सीरीज देने का मन हुआ कि पेपर में ऐसी चीज डालते हैं जो कि स्टूडेंट्स कर सके, तो वो उसको देगा सीरीज को, लेकिन वो भी किसमें देगा, रॉन्ग नंबर सीरीज में देगा, यानी कि आपको मिसिंग में नहीं दे रहा, वो उसे भी क्या करना है, रॉन्ग नंबर सीरीज में दे रहा है। ये पूरा का पूरा आपका क्वांट का सेक्शन होगा। इन सारी चीजों को आपको प्रिपेयर करना है। डीआई वाला सेक्शन आप क्या करोगे, सेम जो आप अभी तक कर रहे थे आप उसी चीज को करोगे, लेकिन अभी आप क्या करते थे, सिंपल वाली डीआई करते थे, टफ वाली डीआई को स्किप करते थे। अब आपको क्या करना है, सिंपल वाली करनी है तो करनी है, लेकिन टफ वाली सीरीज में उठानी है। टफ वाली में आप डीआई छोड़ोगे नहीं, उसको करोगे ही करोगे। डेटा सफिशिएंसी अलग से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, जहां से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वहां से निकालना। टेस्ट 2 वाले स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेक्शन से इस वाले पार्ट को पूरा सॉल्व कर देना जो आपको दिया हुआ है। ये वाला पार्ट जो अपने टेस्ट बुक पे दिया हुआ प्रैक्टिस सेक्शन पे, वो पूरे वही क्वेश्चन है जो अभी तक आ चुके हैं मेंस लेवल पे, तो यहाँ से कर देना तो आपको पूरा डर निकल जाएगा। अर्थमेटिक वाले लेंथी क्वेश्चन सेम टेस्ट बुक वाले तो अपने प्रैक्टिस सेक्शन से ही करेंगे, पूरे पूरे क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। और स्टूडेंट्स को अगर अर्थमेटिक क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या करना, डायरेक्ट आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप वहां से अगर करना चाहते हो वहां से निकाल लेना क्वेश्चन, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन क्वांटिटीज के कुछ क्वेश्चन आप निकाल लेना। ये क्वेश्चन आप कम से कम ये होगा ना कि 50-100 क्वेश्चन इस तरीके का प्रैक्टिस करके जाना, फिर क्या होते हैं हम यूज्ड हो जाते हैं उस चीज के, जब हमें मिलता है ना एग्जाम में तो बिल्कुल भी नया नहीं लगता, इजीली उसको उठाते हैं और हम लोग करते हैं। ठीक है, सेम रॉन्ग नंबर सीरीज अभी तक मिसिंग कर रहे थे, मिसिंग के साथ अब क्या करना है, जैसे कि आप डेली की डेली अगर डेली नहीं अल्टरनेट डेली में कम से कम कर रहे हो आप सीरीज की प्रैक्टिस, तो जैसे कि आप क्वेश्चन उठा रहे हो तो 50-50 रेशियो कर देना। अगर जैसे आप 30 उठा रहे हो हाफ एन आवर में, तो 15 आप कर देना मिसिंग वाली, 15 कर देना रॉन्ग वाली, उस तरीके से आप प्रैक्टिस करना। पॉइंट वाले सेक्शन को स्टार्ट कर दो, मैक्स टू मैक्स आपके इसमें 2 आवर्स का टाइम आपको लगेगा, 2 आवर्स का टाइम आपका रहेगा। अगर इतना आपने जीत गया ना, आपका पॉइंट वाला सेक्शन मेंस के लिए आपका एक डेट तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आपको पता होगा ये दोनों डेट है, ये आपका ऑफिसर लेवल का है, ये आपका असिस्टेंट लेवल का है, इस डेट तक हमें प्रिपेयर करना है अच्छे से। इसके बाद तो रीजनिंग वाले सेक्शन पे अगर आप आओ, रीजनिंग वाले सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो रीजनिंग वाले सेक्शन में भी आपकी पजल्स होंगी, जो कम से कम 3-4 आपकी पजल होंगी। इस वाले एग्जाम में भी आपने देखा अच्छा खासा उसमें 4 पजल आपको भर के दिया था। ठीक है, लेवल भी अच्छा खासा कर दिया था, तो अब मेंस का लेवल समझ जाओ कि मेंस का लेवल कहाँ जाने वाला है आपका पजल्स का। जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको प्रैक्टिस को थोड़ा इस तरीके से करना कि पजल अगर टफ भी लग रही है तब भी आप किस तरीके से कर पा रहे हो, किस तरीके से आपके जो लॉजिक है वो सही बैठ रहे हैं, किस तरीके से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को आप कम कर रहे हो, वो चीजें अब आपको पजल में सीखनी पड़ेंगी। मेंस में आपके 3-4 पजल फिक्स रहती हैं। और एक चीज ध्यान रखना, मैं जैसे आपसे एक्यूरेट क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि 3 डीआई या 4 डीआई या यहाँ पे 3 या 4, क्योंकि आपको पता है मेंस का हम लोग पेपर एज्यूम नहीं कर सकते, प्री का फिर भी करके चलते हैं कि कुछ कुछ सेक्शन फिक्स होते हैं, लेकिन इस टाइम तो उसने उसको ही पूरा घुमा दिया, और मेंस का तो अनएक्सपेक्टेड ही होता है। तो मेंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो मेन मेन टॉपिक है ना उन्हें हम लोग कवर कर सकते हैं कि ये वो चीजें इनमें से क्वेश्चन आएंगे आएंगे, कितने आएंगे ये तो वो जानता है। ठीक है, कितने देगा उसके बाद फिर
पलंग आप देखो तो पलंग थोड़ी से आपकी देखो दो देगा किस तरीके से ड्यूरेबल होंगी, वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो। दो आपकी क्या होंगी, लेंथी होंगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होंगी, थोड़ा सा उन्हें बाद में करने का ट्राई करना। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे पेपर, दो इजी वाली पलंग कर डालना। उसके बाद फिर आपको जो मिलेंगी चीजें वो आपको ये मिलेंगी, स्टेटमेंट कंक्लूजन जो हम लोग देखते हैं वो आपका इसमें आ जाएगा। अभी फ्री में आपने कहीं नहीं देखा होगा, जो लोग प्रैक्टिकल भी स्टार्ट किए हैं ना तो ये कुछ नया होगा उनके लिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। बट अगर आपका थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग सही जाती है अच्छे खासे मार्क्स इससे ले लोगे, 3 to 5 मार्क्स का आता है। लेकिन ऐसा होगा कि मतलब वो एक बार में आपको नहीं देगा, एक क्वेश्चन यहाँ दे दिया फर्स्ट पेपर, एक क्वेश्चन आपको 5 पे दे दिया फिर 15 पे दे दिया, इस तरीके से देगा, लेकिन मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको दे देगा। दूसरा जैसे कि इसमें था डेटा सफिशियंसी वाली चीज, सेम आपके रीजनिंग में भी होगी। इस बार तो बंदो प्रीमियम मिल गई डेटा सफिशियंसी, वो अच्छा होगा कि हमने फ्रेंड्स को प्रिपेयर किया था उसके लिए, तो डेटा सफिशियंसी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपका होगा ब्लड रिलेशन वाला सेक्शन। ब्लड रिलेशन में एक आपका पजल फॉर्म में ब्लड रिलेशन आएगा जिसपे बेस मिनिमम आपके 3 क्वेश्चन को आपको दे देगा, 3 क्वेश्चन आपके मिनिमम होंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन साइंस, सेम डायरेक्शन साइंस में आपके जैसे वो आपको ये दे रहा है ब्लड रिलेशन सेम डायरेक्शन साइंस देगा, पर वो कोडेड फॉर्म में देगा आपको। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि डायरेक्शन साइंस आपको सिंपल ना दे, वो आपको कोडेड फॉर्म में आपका डायरेक्शन साइंस देगा, जो कि आपको करना होगा। पहले उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, देन फिर उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आप उसके क्वेश्चन करोगे। मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन आपको इस पे दे देगा। डायरेक्शन साइंस और ब्लड रिलेशन ऐसे टॉपिक है जो कि आपसे फिक्स रहेंगे, इनको वो नहीं निकाल सकता। इनइक्वालिटी में अगर इसको इनइक्वालिटी देनी है आपको, इसको जो क्या करेगा कोडेड फॉर्म में लेकर के आएगा। अगर उसको थोड़ा सा पेपर इस तरीके से करना है कि डूएबल हो जाए, स्टूडेंट कम से कम कुछ परसेंट स्कोर कर जाए, तो वो इनइक्वालिटी डाल देगा, लेकिन इसको भी कोडेड फॉर्म में ही रखेगा आपके लिए। उसके बाद क्या आता है अपना मशीन इनपुट आउटपुट, और इसी के साथ एक और चीज होती है वो अपनी कौन सी होती है, कोडिंग रिकॉर्डिंग, जो कि इस बार वो आपको दे रहा है ना, तो वो कैसे दे रहा है। पहले हमें कैसे होता था कोडिंग में, क्या होता था सारे सारे कोड मिल जाते थे, हमें क्या करना पड़ता था सिर्फ सिर्फ आइडेंटिफाई करना पड़ता था, बाइफर्केट करके हमें इजीली कोड मिलते। लेकिन आपको क्या दे रहा है, इस तरीके से कोड कर रहा है कि उसमें हम लोगों को सारी सारी चीजें लगानी पड़ रही है। आई थिंक पकड़ लिया होगा कौन सी कोडिंग रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, वो वाले की प्रैक्टिस आप कर लेना। वैसे हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं बहुत टफ लेवल का करते हैं, लेकिन इसको ऐसा देगा कि इजीली आप वो लॉजिक लगा सको। तो ये जो टॉपिक है ना मशीन इनपुट आउटपुट और कोडिंग रिकॉर्डिंग, इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब सेम आपको पजल्स कहाँ से मिलेंगी, पजल्स टेस्ट बुक वालों को तो उनकी जो वो एग्जाम लगाने वाले हैं, मॉक लगाने वाले हैं मेंस के, वहां से मिल जाएंगी, जैसे प्रैक्टिस सेक्शन से रहेंगी। बाकी आप लोग पीडीएफ आराम से डाउनलोड करना, बहुत अच्छी अच्छी पजल्स मिलती हैं, बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है, कहीं से भी आपको मिल जाएंगी। 100 पजल्स या 200 पजल्स का पीडीएफ डाउनलोड करना, IBPS PO level लेवल की पजल्स को रखा हुआ हो, ठीक है, उसको आप करना स्टार्ट करना। उसके बाद फिर इन क्वेश्चन को आप निकाल लेना और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना एक लेवल हाई पर। क्वेश्चन किस तरीके से आपको सोच के चलना है, जो प्रीमियम लेवल था उससे आपको एकदम डबल लेवल पर जाना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक होंगे जिन पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, और अब जो आप उठाओगे एक लेवल ऊपर ही जाकर के क्वेश्चन को उठाना, ठीक है। इसके बाद ये कुछ नया है प्री के बाद आपके लिए जनरल अवॉर्ड है, जिसको कि हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। एक पार्ट हमारा कौन सा होता है स्टडी वाला, दूसरा हमारा कौन सा होता है करेंट वाला। स्टडी वाला अगर मैं आपको बताऊंगा तो स्टडी वाला ऐसे नहीं होता कि आपको बैंकिंग हिस्ट्री आपसे पूछ रहा हो, हिस्ट्री वो नहीं पूछ रहा, ज्यादातर हम लोगों ने देख लिया कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को उठा ही नहीं रहा। वो क्या करता है स्टडी वाला पार्ट उठाता है, लेकिन कहाँ से उठाता है, करेंट की न्यूज से उठाता है, चीजें हुई होती है हमारे करेंट में, और उसी से वो क्या करता है जो स्टडी कनेक्टेड होता है ना वो उसको उठा लेता है। यदि किसी की विजिट हुई कोई बहुत बड़ा मतलब, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारा MOU साइन हुआ था, MOU साइन हुआ तो हमारे किसी कंट्री के साथ साइन हुआ, वो कहाँ पर मतलब जैसे कि हम लोग देख लेंगे किस चीज से मतलब एयरपोर्ट से रिलेटेड था, जहाँ पे कि वो MOU साइन हुआ है यानी यहाँ पर उसका काम होने वाला है, वो एयरपोर्ट किस स्टेट में आता है या किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन उठा रहा है, एयरपोर्ट से रिलेटेड उठा लेगा, देन फिर आपको नेशनल सेंचुरी से रिलेटेड या फिर वर्ल्ड मतलब जो भी कुछ होगा ना वो स्टडी को कनेक्ट करेगा आपका किससे करेंट से। तो इस तरीके से थोड़ा लेकर के चलना। अब तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आपको पीडीएफ मिलते हैं ना, जो आपको पीडीएफ मिल रहे हैं पूरा का पूरा करंट का मंथली बेसिस पर, वो आपको ऑलरेडी लास्ट पेजेस पे क्या कर रहे हैं स्टैटिक पूरा का पूरा ऐड करके दे रहे हैं। आप लोग वहां से प्रिपेयर कर सकते हो, और अगर आपने अपने अलग से नोट प्लान लगे हुए स्टैटिक के तो वहां से आप उसको उठा सकते हो। तो दोनों चीजें पूरा ध्यान में रखना। और करंट वाला जो आपका होगा डेली बेसिस पे जो कर रहे हो उनके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और जो लोग डेली बेसिस पे नहीं कर रहे थे वो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनका भी आराम से कवर हो सकता है। कुछ चीजें ध्यान में रखना, करंट आपको किस तरीके से करना है, अगर अभी तक आपने नहीं किया है आप अभी स्टार्ट करने वाले हो
तो आपको करंट किस तरीके से करना है, आपको मंथली पीडीएफ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेना, आप सोचो कि लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे जाएगा, नहीं होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन स्किप करके आ जाओगे। अगर 40 क्वेश्चन आ गए ना, नहीं कर पाओगे करंट वाला, अगर आप सोचो कि मोबाइल और लैपटॉप से हो जाएगा, प्रिंट निकाल लेना। जून से पूरा का पूरा, जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर और अक्टूबर का, अगर 18 का एग्जाम है तो 10th अक्टूबर तक पढ़ के जाना। ये मत सोचना कि अक्टूबर 18 को है तो अक्टूबर बिल्कुल भी नहीं आएगा, अक्टूबर 10th अक्टूबर तक वो कवर कर देते हैं आपका करेंट वाला क्वेश्चन, 10th अक्टूबर तक पढ़ के जाना। तो जून से लेकर के अक्टूबर तक का आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट निकाल लेना है। अपने आपको ज्यादा नहीं कर जाएगा, अगस्त तक आपको इजली अवेलेबल है, तो जून जुलाई अगस्त 3 मंथ का निकाल लो और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसा मत समझे कि एक बार पढ़ोगे और एक बार पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा या याद हो जाएगा, नहीं, कम से कम 3 से 4 बार उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। एक एक चीज को वो जनरली किस पर फोकस करते हैं, परसेंटेज और फिगर्स पर फोकस करते हैं, तो वो चीज थोड़ा सा फोकस करना, उन चीज को अच्छे से ना हाईलाइट करके ध्यान में रखना, कम से कम 3 से 4 बार एक पीडीएफ को पढ़ना, कोशिश करना। एक वीक का टारगेट दो, इसको जब आप दोगे ना, कम से कम 2 घंटे देना आपके दिन के, 2 घंटे मिनिमम बोल रहा हूँ, चाहे 2 से आपको 3 घंटे भी करना पड़े स्टार्टिंग में। इतना अगर आपने कर दिया तो एक एक वीक का टाइम लगेगा आपको, एक एक मंथ का पीडीएफ कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से आप करते हुए जाना करें, और यहीं से अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो उसी के लास्ट पेज से स्टडी कर लेना। और अगर नोट्स बनाए हुए हैं कहीं से, कोचिंग वगैरह लिया था, पहले से नोट प्रिपेयर है, तो उसको अभी अच्छे से एक बार याद कर लेना करेंट के साथ लेते हुए, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा प्रिपेयर होगा करेंट का। अगर आप सोचोगे अब आप डेली बेसिस पे उठाना स्टार्ट करो या वीकली बेसिस पे उठाना स्टार्ट करो, बहुत टाइम टेकिंग होगा, शायद ही आप उसको कवर कर पाओ, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा मंथली पीडीएफ निकालो, उसका प्रिंट निकालो और बस पढ़ना स्टार्ट कर लो दोनों को। आपको इसमें आपका 2 घंटे का हो गया, इसमें अगर आप 1.5 आवर या फिर 2 आवर देते हो ना, तो रीजनिंग आपका बहुत अच्छे लेवल पर आ जाएगा। अगर आपने प्रीके लिए प्रिपेयर किया अब आपको करना है, तो 1.5 से 2 आवर में आप पूरा पूरा रीजनिंग बहुत अच्छा लेकर के आ जाओगे। इसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि पहले तो थोड़ा सा छोड़ा हुआ था हम लोगों ने, तो 2 से 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे, 2 से 3 घंटे में आप इसको पूरा कवर कर पाओगे। जब अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तब पता चलेगा, ऐसा लग रहा होगा कि सर क्यों बोल रहे हैं टाइम ज्यादा लगेगा, जब पढ़ोगे ना और अभी पढ़ा कल उस चीज को बोल रहे हो तब समझ में आएगा कि हाँ सच में 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका जनरल अवेयरनेस का हो गया। इसके बाद कंप्यूटर का देखते हैं, ये कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे की सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन एक चीज वहां रखना, 40 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन आपके मार्क्स 20 ही होंगे। वहां पर जो मेंशन होगा ना वो ऐसे ही होगा कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, लेकिन जब आपका स्कोर कार्ड आता है तो स्कोर कार्ड में क्या हो जाता है आपका सारे सारे क्वेश्चन 0.5 के हो जाते हैं। ये टॉपिक्स है जिनकी मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना, इनका आपको यहाँ पे थोड़े बहुत नोट्स मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना, ज्यादा नहीं, हार्डली होने से कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया। इसका अगर हम लोग एक चैप्टर देखें कोई भी, अगर जैसे आपको नोट्स दे रहा है तो हार्डली आपके कितने 3 से 4 पेजेस के होंगे, तो कोशिश करना कि स्टार्टिंग आप इसको, इसको पहले देखें टाइम कितना देना है, इसको हमें टाइम देना है। अगर हम लोग देंगे ना स्टार्टिंग हम लोग देंगे 45 मिनट, और फिर जैसे ही हमारी टॉपिक एक बार हम पढ़ चुके हैं तो उसके बाद हम इसे कर देंगे हाफ आवर डेली बेसिस पर, ठीक है। पहले 45 मिनट दिया था, क्यों, क्योंकि हमें थ्योरी वाला पार्ट कवर करना था, थ्योरी वाला पार्ट कवर करने के लिए 45 मिनट का टाइम दिया। स्टार्टिंग हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए, फिर 3 कर लिए, यानी कि स्टार्टिंग हम 2 से 3 दिन में कोशिश करेंगे कि थ्योरी वाला पार्ट हम कंप्लीट करें, इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज हमें हो जाए। बहुत पहले पढ़ा होता है तो हमने ग्रेजुएशन के टाइम पर फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट टाइम में, तो हम लोग भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब उसको याद करने के लिए थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट इसका उठा लेना। इसके नोट आपको बहुत इजिली अवेलेबल होते हैं, चाहे आप नेट से निकाल लेना और कहीं से कोचिंग ले रही होगा तो उन्हें बुक्स वगैरह हार्ड कॉपी में मिले होंगे, हार्ड कॉपी में नहीं मिले होंगे तो जो ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं तो उनको पूरा का पूरा प्रैक्टिस है इसके मिले होंगे, जैसे टेस्ट बुक है पूरा प्रैक्टिस वाले पार्ट में पढ़े हुए हैं, इसके नोट्स भी पढ़े हुए हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं इसके, तो पूरा का पूरा टेस्ट बुक वाले तो वहीं से उठाना। इसके सारे सारे टॉपिक एक बार थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेना, थ्योरी वाला पार्ट जैसे कवर हो जाएगा ना आपका, उसके बाद पे जैसे 45 मिनट वाला काम खत्म हो जाए फिर क्या करना है, हमें हाफ आवर डेली बेसिस पे इसको देना है। हाफ आवर देंगे ना इतना हो जाता है, जैसे इवनिंग वाला टाइम है हम किसी भी अच्छे सब्जेक्ट को नहीं देना चाहते क्योंकि वहां पर क्या होता है कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, इसको दे दिया हाफ एन आवर हमने, क्या किया सिर्फ और सिर्फ इसके एमसीक्यू क्वेश्चन वाला स्टार्ट कर दिया, कहीं से भी जहां से मिल रहे हैं नेट से मिल रहे हैं नेट से उठा लिया, अदरवाइज जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो वहां के एमसीक्यू क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। टेस्ट बुक वाले इसको तो क्लर्क वाला प्रैक्टिस सेक्शन है ना वहां से उठाएंगे, और क्लर्क वाले प्रैक्टिस सेक्शन में पूरे चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, तो वहां से करना, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है तो वहां से आप करोगे पूरे पूरे टॉपिक आपके कवर होंगे। ये टॉपिक है इन्हीं के आपको क्वेश्चन उठाना है, स्टार्टिंग पहले थ्योरी पार्ट पूरा कवर करना है एक वीक के अंदर अंदर, और फिर नेक्स्ट वीक से मैक्स टू मैक्स हमें एमसीक्यूज को फोकस करना है,
मैक्सिमम आपके एमसीक्यू के काम आएंगे, थ्योरी वाला पार्ट इतना काम नहीं आ पाता। एमसीक्यू ऐसे होते हैं कि हमारी गलतियां होती हैं तो माइक पे क्लिक कर जाते हैं, और वो चीज थोड़ा एग्जाम में नहीं करते हो गलती, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपका कंप्यूटर वाला पार्ट हो गया। लास्ट में आपका देखे तो लैंग्वेज वाला है, तो लैंग्वेज वाला ऐसा है कि इसमें आपको IELTS परमिट कर रहा है आपकी लोकल लैंग्वेज के लिए, आपके लोकल लैंग्वेज के लिए वो आपको परमिट कर रहा है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज के लिए अगर आपको परमिट कर रहा है तो अब आप देखो इसमें क्या होता है, आपके 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि 40 मार्क्स के आपके रहेंगे। इस वाले पेपर को हम लोग मेनली जो हम लोग कवर करते हैं, जो हम लोग प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, दो पार्ट में करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा हमारा जाता है ग्रामेटिकल पार्ट। सेम आप इंग्लिश की तरह लेकर के चल सकते हो, लेकिन जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसको आपको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। ऐसा आप सोच रहे हैं जैसे हिंदी कर रहे हो तो ज्यादा ईजी आएगी, नहीं आती। हिंदी में भी कट ऑफ क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ इतना चला जाता है। 40 मार्क्स का पेपर है ना, 20 आपका कट ऑफ चला जाएगा, 20 को आपका कट ऑफ जाता है। तो कई मैं जैसे कि अगर हम लोग 100 स्टूडेंट्स का देखें ना, तो उसमें 50-60 तो ऐसे होते हैं जो हिंदी में कट ऑफ ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करके ही जाना, ऐसा एकदम लाइट लेकर के नहीं आना, ये तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी से इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। प्रैक्टिस ना आते करोगे, देखो इसकी प्रैक्टिस ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्यों हमें गलती नहीं है। लेकिन जैसे कि जो लोग हिंदी करने वाले ना, उनके लिए थोड़ा बेनिफिट है हिंदी और इंग्लिश के लिए, उनको मिल जाएगा, मॉक में मिल जाएगा, मॉक के बाद प्रैक्टिस सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो इसको दो पार्ट में करना, पहले अपना कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना। 40 क्वेश्चन में से कम से कम आपके 22-25 कॉम्प्रिहेंशन वाला कवर कर देता है, 15 मार्क्स का आपका अराउंड ग्रामर आता है। तो इसको मैक्सिमम आपको क्या करना है, थ्योरी वाले पार्ट को थोड़ा सा साइड में करके मैक्सिमम क्या करना है, प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे फोकस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, मॉक से करोगे, और मैक्सिमम जो शॉर्ट लाइन वाले टेस्ट आते हैं ना 15 मिनट्स के, आप वहां से उठाना स्टार्ट करोगे। अगर इतना आप करते हुए चले गए ना, तो पूरा का पूरा आपका लैंग्वेज वाला पार्ट आपको विद इन 15 डेज लगने लगेगा कि हाँ अब मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ। एकदम लाइट लेकर के नहीं आना कि ये तो मेरी लोकल लैंग्वेज है बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, वहां पर जाकर नहीं होता, सिर्फ कट ऑफ भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज को आप इस तरीके से अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। अगर इसको आप टाइम देना चाहते हो तो इसको मैक्स टू मैक्स आप देना, सेम कंप्यूटर की तरह आप दे दो, स्टार्टिंग 45 मिनट देना, थोड़ा सा मतलब इसकी जो चीजें हैं उनको ध्यान में रख लेना, और उसके बाद फिर बस बस इसके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। जो एमसीक्यूज होते हैं जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज होती है, हमने कॉम्प्रिहेंशन वाला उठा लिया, काफी तरीके से ग्रामर वाली चीज उठा ली, वो आपको नहीं करना है। आप जब क्विज लगाना स्टार्ट करोगे ना, जहाँ कहीं से भी आप लगा रहे हो, वो अपने हिसाब से प्रिपेयर करते जाते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको रेगुलर बने रहना। इतना आपने कर लिया तो लैंग्वेज वाला पार्ट आपका पूरा पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा है ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम छोड़ देना, ठीक है। फोकस करना पड़ेगा, लेकिन हल्का फुल्का भी करेंगे तो आराम से कवर आपका हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा मेंस की स्ट्रेटेजी थी जो कि आपको फॉलो करनी होगी। अभी एक मंथ के लिए आ रहा हूँ, आप देख रहे हो आज हमारा 12 है और 31 अक्टूबर को ही आपका अराउंड आपके पास 1 मंथ का टाइम है। अगर ये आपने फॉलो किया इस तरीके से, सारे के सारे सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, किसी में आपका कट ऑफ नहीं रुकेगा, पूरा अच्छे से पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। इतनी चीज कर लो, ये आपकी पूरी पूरी स्ट्रेटेजी है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आपके सीनियर से और टेस्ट बुक वाले अपने कोचेज से कंटिन्यू कनेक्शन में रहना और उनसे कॉन्टेक्ट करते रहना, ठीक है। बेस्ट ऑफ द विशेस है आपके लिए, अच्छे से पेपर करना मेंस का।